स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग पनवेल में हैं, यहाँ पे आज मतदान हो रहा है तीसरे टप्पे का, और हमारे साथ इस वक्त विक्रांत पाटिल जी है। विक्रांत पाटिल जी, आप हमें बताइए कि मतदान जो है आज पनवेल में हो रहा है, और आज आप यहाँ पे याकूब बेग स्कूल के यहाँ पे आए हैं, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मतदान को लेकर दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वोटिंग का इस बार हम देख रहे हैं। जनता ने यह चुनाव हाथ में लिया है। जिस प्रकार पिछले 10 साल में अच्छे काम करने का प्रयास हुआ, जनता ने इस बार उनके दिल में कुछ विषय ठान लिया है, और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हम अब ये चुनाव हाथ में लेंगे, ये भावना उनके बर्ताव में, उनके बोलने चलने में हमको दिख रहा है। हर वोटिंग बूथ के बाहर आप देखेंगे तो लाइन लगी हुई है। हर बार वोटिंग होता है, लेकिन इस बार जो हम एक अलग उनका स्पिरिट देख रहे हैं, ये स्पिरिट देखने जैसा है। लोग बहुत बड़े पैमाने पर रास्ते पे उतरे हैं, धूप की तकलीफ है, लेकिन फिर भी जनता परिवार के साथ बहुत बड़े पैमाने पे वोट कर रहे हैं। और जब जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें उनके बॉडी लैंग्वेज से आश्वासित किया कि जो हम जनता के बहुत बड़े पैमाने पे वोटिंग करेंगे और उज्ज्वल भारत के भवितव्य के लिए वोटिंग करेंगे। विक्रांत जी, कई ऐसे लोग भी हमें यहाँ पे मिले हैं जो कह रहे हैं कि उनका नाम जो है वो लिस्ट में से कट गया है। कई लोगों को परेशानी ये भी हुई है कि उन्हें यहाँ पे नहीं, कहीं और सेंटर पे अपने नाम मिल रहे हैं, तो उनके मदद के लिए आप उन्हें क्या आह्वान करेंगे कि कहाँ वो जा सकते हैं मदद के लिए? देखिए, हर जगह पर हमने पोलिंग बूथ लगाए हुए हैं। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ, हमारे यहाँ पे पोलिंग बूथ के बाहर जो हमारा हेल्प डेस्क है, वहाँ पर जाके आप आपका नाम सर्च करिए, तो हम उनको वोटिंग में लिस्ट में कहाँ पे नाम है, केंद्र कौन सा है, ये सर्च करने के लिए भी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक विषय आप जैसे कह रहे ज़रूर हुआ है कि बहुत सारे लोगों के नाम कटे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम दूसरे लिस्ट में चले गए हैं, तो इस विषय में क्या हुआ है इसकी जानकारी हम लेंगे। और बहुत से लोगों के फ़ोटो पुराने थे, ब्लैक एंड वाइट थे, या फिर फ़ोटो यादी में नहीं थे, इस कारण भी बहुत लोगों के नाम कटे हैं, तो इस विषय में हमको अभी ये चुनाव में तो वो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगले सब चुनाव में ये सब हमारे जो नागरिक है ये वोट कर पाएंगे, उनका वोटिंग का जो मूलभूत अधिकार है वो उन्हें अगले चुनाव में तो मिलेगा, इसका हम प्रयास करेंगे। आप अपनी ओर से जो लोग अभी भी वोट करने के लिए बाहर नहीं आए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन मन में हमारे डर ये है कि धूप का सब माहौल है, तो थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, इसलिए एक मन में चिंता ज़रूर है। तो जनता को अपील ज़रूर करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया हुआ ये अधिकार है, और ये संवैधानिक अधिकार हम अगले 5 साल के लिए हमारी सेवा कौन करेगा और देश को विश्वगुरु कौन बना सकता है, ये चुनने का ये अधिकार है, तो ये अधिकार हमने इसका यूज़ करना चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे वोटिंग हमने आके करनी चाहिए, यही विनती मैं उनको करूँगा। धन्यवाद सर। तो इस तरह नागरिकों से यही आह्वान किया जा रहा है कि आप अपने घरों के बाहर आइए और वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ज़रूरी है। और रहा सवाल उन लोगों का जो लोग वोट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके नाम जो है वो लिस्ट में से कट गए हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अभी के ये जो चुनाव है इसमें जिन लोगों के नाम कट चुके हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मतदान है वो नहीं हो पा रहा है लोगों का, और इसका असर जो है वो काउंटिंग पर ज़रूर पड़ेगा। तो अब देखना ये होगा कि जिन लोगों के नाम कट चुके हैं उसकी वजह से आने वाले इस चुनाव के रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़ पनवेल।